अल्लाम स्टूडेंट्स मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और आज का मेरा एक टॉपिक है आइजोटॉनिक सॉल्यूशंस ये फार्म डी फिजिकल फार्मेसी में एक इम्पॉटेंट टॉपिक है आयोनाइजेशन का सब टॉपिक है तो सॉल्यूशन से हमें क्या पता चलता है आइजोटॉनिक आइसो मींस सेम और यहाँ सेम किस क्या चीज़ सेम कंसनट्रेशन और टॉनिक मीन्स ऑसमोटिकेशर इसको टॉनिसिटी भी कहते हैं ठीक है ना सोलूशन हैं तो सोल्यूशंस में हम इस चीज़ को डील करेंगे टू सोल्यूशंस आर सेट टू बी आइजोटॉनिक इफ़ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम रिलेटिव कंसनट्रेशन एज इन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ एन एस सी एल सोल्यूशन तो इस डेफिनेशन में दो पार्ट्स हैं एक पार्ट तो ये कह रहा है कि दो सोल्यूशन आइजोटॉनिक होंगे एक दूसरे के अगर उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा और उनकी रिलेटिव कंसनट्रेशन उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो रिलेटिव होंगी किसके जीरो पॉइंट नाइन सोलूशन ऑफ़ एन और वो नॉर्मल सलाइन सोलूशन होता है जीरो पॉइंट नाइन सोलूशन हम क्यों ही क्यों लेते हैं इसकी एक रीज़न है क्योंकि जो ब्लड है उसकी टोनीसिटी uh, मतलब कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एन के बिल्कुल इक्वल है अब रॉक्स तो इस वजह से हम बॉडी में ड्रग्स को डील करते हैं तो बॉडी के लिए हम जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सलाइन सोलूशन के ही रिलेटिव सोलूशन बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल कोई इंजेक्टेबल हमने चीज़ बनानी है आई में जो लाइन आई लाइन में जो भी हमने इंजेक्ट करनी होगी तो उसको इक्वल करेंगे जीरो पॉइंट ऑफ एन अगर फॉर uh, एग्जाम्पल वो वन परसेंट या वन पॉइंट फाइव परसेंट बन जाता है या वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट बन जाता है हाइपोटोनिसिटी हो जाती है हाइपर टॉनिसिटी तो उससे क्या इफेक्ट होगा रेड ब्लड सेल्स या तो बल्क अमाउंट में हो जाएंगे या तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे या वो श्रिंक हो जाएंगे हाइपरटोनिक के केस में वो श्रिंक हो जाएंगे के केस में वो एक्सपैंड हो जाएंगे और नॉर्मल कंडीशन पे वो बिल्कुल सेम रहेंगे तो ये एक पैथा पैथाफिजोलॉजिकल कंडीशन है इस वजह से हम हमेशा जो है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट आइजोटोनिक सोलूशन बनाते हैं तो ये किसकी एप्लीकेशन और मैनिफेस्टेशन थी अब इसको मैं समझाता हूँ कि है क्या चीज़ ये एक बीकर है इसके इस साइड पर हाइयर कंसनट्रेशन सोलूशन है मतलब कंसनट्रेटेड इधर डायल्यूट मतलब कि लो कंसनट्रेटेड ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या द मूवमेंट ऑफ एक्वस मीडियम फ्राम हायर कन्सनट्रेशन टू लोयर कन्सनट्रेशन इट्स हायर कन्सनट्रेशन मीनिंग इधर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट ज़्यादा है ठीक है और इधर कन्सनट्रेशन ऑफ सल्यूट कम है तो हायर कन्सनट्रेन लोयर कन्सनट्रेशन की तरफ जाना थ्रू सेमीपरमेबल मेमरी इस कार ऑसमोसिस और जो प्रेशर इस, इस हाई कंसेंटेशन पे लग रहा होगा जो इसको कह रहे हैं कि इस सेमी परमेबल को क्रॉस करें तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे अब इस केस में इधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है इधर नहीं है ठीक है ना तो डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से यहाँ जो चीज़ क्रिएट हो रही है हम उसको कहेंगे हाइपर टॉनिसिटी और जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिसिटी और जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल होगा तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक मतलब कि आइज़ोटॉनिसिटी आइजोटोनिक सोलूशन तो इधर एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच 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 मॉलिक्यूल है मतलब कि जीरो पॉइंट नाइन परसेंट अगर मैं यहाँ ले लूँ जीरो पॉइंट नाइन परसेंट यहाँ ये अगर कोई हमारे पास ड्रग है और ये ब्लड है तो दोनों की टॉनिसिटी सेम है तो इसका मतलब ये ऑस्मोटिक सोल्यूशन है ऑस्मोटिक सोल्यूशन की काफ़ी ज्यादा एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रो सोलूशन नॉर्मल सलाइन सोलूशन कुछ बफर्स हैं वो आइजोटोनिक सोल्यूशन होते हैं तो ये सारी चीज़ें मेनटेन द होमियोस्टिस ऑफ ब्लड रेगुलेशन या बॉडी तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई हो अगले टॉपिक में हम आइजोटॉनिक सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसमें बफर क्या होता है बफर कैपेसिटी बफर एक्शन के बारे में पढ़ेंगे अगर कोई क्वेश्चन क्यों रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनल भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कुछ चीज़ ना समझ में आ रही हो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा तो आई होप आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर जजाकल्ला